हेलो और स्वागत है स्पाइस बॉक्स में। ये पेयर और बटरस्कॉच मफिन्स बने हैं पूरे तरीके से गेहूं के आटे से। इसका मतलब इसमें कोई भी प्रकार का रिफाइंड आटा नहीं है। अब बहुत से लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं गेहूं के फ्लेवर से, क्योंकि ये देता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्वाद बेक्ड व्यंजनों में। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी एक रेसिपी मफिन्स की जो बच्चों को भी भाएगी। और जैसे कि मैंने पहले कहा है, सेहतमंद का मतलब नहीं कम स्वाद। जो सामग्री हमें चाहिए वो है कटे हुए पैर, मैंने छिलका निकाला नहीं है क्योंकि मुझे उसका टेक्सचर अच्छा लगता है, आटा, अंडा, वेनिला एक्सट्रैक्ट, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, शक्कर, तेल, बटरस्कॉच चिप्स, शहद और दूध। तो ये है बहुत ही आसान सा मफिन बैटर। सारी गीली सामग्री जाएगी एक बोल में और सूखी दूसरे में, और फिर हम दोनों को मिला लेंगे अच्छे से। तो मैं लूंगी 1/4 कप तेल, 1 अंडा, 2 चम्मच शहद, 6 vanilla extract और 6 चम्मच भर के दूध। फेंट लेंगे इसे अच्छे से। और मेरे दूसरे बोल में मैं लूंगी 1 कप भर के गेहूं का आटा, 2 चम्मच शक्कर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर, 2 फेंट लूंगी ये सब अच्छे से। अब इसमें मैं डालूंगी मेरे कटे हुए पैर और 1/4 कप बटरस्कॉच चिप्स। मिला लेंगे इससे अच्छे से सूखी सामग्री के साथ। और इससे क्या होता है कि आपकी बटरस्कॉच चिप्स और पैर नीचे नहीं चली जाएगी बेक टिन में जब बेक हो रहा हो तब। इसमें मैं डालूंगी मेरी गीली सामग्री और हिलाऊंगी जब तक के मिले मुझे एक समांतर बैटर। ध्यान रहे कि आप इसे आराम से हिला रहे हो, चमचा ऊपर और नीचे ऐसे करके, साथ में बोल को घुमाते हुए। ज्यादा इसे मत हिलाइए वरना आपके मफिन बन जाएंगे बहुत कड़क। ठीक है, अगर आपके बैटर में यहाँ पे गट्ठे हों, सिर्फ ध्यान रहे कि आपके इंग्रेडिएंट्स घुल गए हों और कोई भी सूखी सामग्री सूखी ना हो। तो अभी अच्छा लग रहा है, मैं इसको निकाल कर मफिन ट्रे में रखूंगी और बेक करूंगी 180 डिग्री पे 20 मिनट के लिए, और फिर मैं दिखाऊंगी कैसे लगते हैं ये हो जाने के बाद। गेहूं में है ज्यादा मात्रा में फाइबर और इसी वजह से ये मफिन बन जाते हैं संतोषकारक। मुझे अच्छा लगता है इनको बना के तैयार रखने का, और ये बन जाते हैं खाने के बाद का बहुत अच्छा स्नैक। इसमें से लूंगी मैं एक टुकड़ा क्योंकि और अब मैं नहीं रुक सकती। ये है नरम, गीला और भरा हुआ बटरस्कॉच और पैर से। जरूर बनाइए आप इसे।
हम्म,